हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज राबडर आजम और आज की वीडियो पल्सर आर एस 200 बी एस 6 वर्सेज पल्सर एन एस 200 बी एस 6 की है। सो बता दें कि दोनों बाइक का जो पावर है वो अब सेम हो चुका है। एंड पहले NS में आपको कार्बोरेटर देखने को मिलती थी एंड पावर उसमें 1 PS कम था, अब जो है दोनों का पावर सेम हो चुका है। तो आपको पहले ये दिखा दें कि दोनों बी एस 6 हैं या बी एस 4 है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते नहीं भाई बी एस 4 है। तो आप देख सकते हैं इसमें कैथलेटिक कन्वर्टर इसका, ओके थोड़ी बाइक गंदी हो रखी है। एंड NS का देखते हैं। सो ये NS का रहा कैथलेटिक कन्वर्टर, जो कि BS6 का एक मतलब सिंबल सा बन गया है। एंड इसमें तो आप देख ही चुके हैं, अगर आपने देखी होगी इसके टॉप स्पीड की वीडियो, तो अब इसमें तेल ऑन ऑफ करने का नहीं है क्योंकि ये FI हो चुकी है। तो चलते हैं, दोनों का ड्रैग करके देखते हैं, अगर टॉप इंड हो सका तो टॉप इंड करेंगे और ड्रैग हो सका तो ड्रैग करके देखते हैं कि एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है और टॉप इंड में क्या फ़र्क है दोनों में। आपने देखा फर्स्ट अटेम्प्ट में RS के साथ एक्सीलरेशन इसका साथ रहा, कितना टॉप स्पीड गई थी 145। कवरिंग की वजह से ये हो रही थी, अगर कवरिंग इसमें होता तो निकल जाती। लास्ट में स्लिप स्ट्रीमिंग करने के बाद ना थोड़ा सा सट रही थी। ठीक है, चलो एक बार चेंज करके कर लेते हैं। अच्छा परफॉर्म किया है ना। तो चलिए सेकंड अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। इसको कवरिंग का फायदा मिल जा रहा है ना। कितना गया टॉप स्पीड? 144 तक, ये 150 तक जाएगा हमको लगता है, है ना? हाँ, लेकिन वही टाइम लेगा, टॉप इंड में बहुत लंबा स्ट्रेच में ओवरटेक ले सकता है, ज्यादा गैप नहीं रहता है, ले सकता लगभग नहीं है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि एक्सीलरेशन में दोनों मतलब 120 तक तो लगभग साथ थी एंड उसके बाद RS निकल गए क्योंकि फेयरिंग का फायदा। एंड टॉप स्पीड में अगर देखा जाए, अच्छा लंबा स्टेज पे अगर रेस करें तो 20% 30% चांस है कि NS निकल जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।